ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के देहांत पर सोलन भाजपा मंडल ने शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा के दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके छाया चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के देहांत पर सोलन भाजपा मंडल द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की गई। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके छाया चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जीएसटी नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका निभाने पर इतिहास रचने वाले नेता को शत शत नमन भी किया गया। शोक सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार व वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप और रितु सेठी भी मौजूद रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार ने बताया कि भारतीय राजनीति के क्षितिज पर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज उनके बीच नहीं है, जिसके चलते आज सारा राष्ट्र शोकगुल है और उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि जेटली अर्थव्यवस्थाशास्त्री तो थे ही, साथ ही वे शिक्षाविद और कानून के ज्ञाता भी थे, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे आज समूचा भारत याद कर रहा है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पे पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता श्रीमान अरुण जेटली जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनका पिछले कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। आज सारा राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन है उनके प्रति। जो सेवाएं जिस तरीके से उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में और भारतीय राजनीति में अपनी तरीके से जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, अपना एक नया इतिहास भारतीय राजनीति में बनाया है। वो एक अर्थशास्त्री भी थे, वो एक शिक्षाविद भी थे, वो एक बहुत बड़े हमारे जो कानून के ज्ञाता जिसको हम कहते हैं वह भी थे। आज सारा राष्ट्र उनके सम्मान के प्रति नमन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। श्री अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन पर ये देश आगे चले और ताकि आने वाले दिनों में हमारा राष्ट्र, भारत राष्ट्र, और ताकतवर बने, आर्थिक तौर पर ताकतवर बने और विश्व में इसका नाम ऊंचा हो।